क्या आप ये जानते हैं कि रिसर्चर्स ने बहुत ही अजीब ब्लैक होल हमारे गैलेक्सी में डिस्कवर किया है। इस डिस्कवरी ने साइंटिस्ट के बहुत से सवालों के जवाब भी दिए हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, आखिर ये किस टाइप का ब्लैक होल है जो साइंटिस्ट को इतना ज्यादा एक्साइटेड कर रहा है। ये बात आप जान लें कि ब्लैक होल की डिस्कवरी बहुत ही कॉमन हो चुकी है, लेकिन इस ब्लैक होल में ऐसी क्या खास बात है ये आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। एस्ट्रोनॉमर्स ने हमारे कायनात में डिफरेंट किस्म के ब्लैक होल को डिस्कवर किया है। अगर सिर्फ मिल्की वे गैलेक्सी की ही बात की जाए तो इसमें कम से कम 100 बिलियन स्टार्स मौजूद हैं, और एक अंदाजे के मुताबिक 1000 में से एक स्टार इतना बड़ा होता है कि वो अपने आप में ही कोलैप्स होकर एक ब्लैक होल बन जाता है। इसी हिसाब से तो हमारी गैलेक्सी में 100 मिलियन स्टेलर मैसेस ब्लैक होल्स मौजूद होने चाहिए। ब्लैक होल्स की सबसे ज्यादा खास बात ये है कि ये बहुत बड़े भी होते हैं और बहुत छोटे भी। साइंटिस्ट का मानना है कि स्मॉलेस्ट ब्लैक होल्स एक एटम के साइज जितने स्मॉल हो सकते हैं। ये ब्लैक होल्स इतने छोटे होने के बावजूद भी माउंटेन के बराबर होते हैं, क्योंकि मास ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद मैटर की मिकदार पर डिपेंडेंट होता है। और हम सब ये जानते हैं कि ब्लैक होल्स के अंदर बहुत ज्यादा मास मौजूद होता है। अब एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट ने साइज के लिहाज से 3 इकसाम के ब्लैक होल्स को डिस्कवर किया है। सबसे पहले बात करते हैं स्टेलर मास ब्लैक होल्स की। इसका मास 5 से 100 गुना हमारे सूरज के बराबर होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ही 10 मिलियन से 1 बिलियन स्टेलर मास ब्लैक होल्स हो सकते हैं। ये बात आप जान लें कि तमाम स्टार्स में इतना पोटेंशियल नहीं होता कि वो ब्लैक होल बन सके। स्टेलर मास ब्लैक होल्स उन स्टार से बनते हैं जिनका मास हमारे सूरज से 2 से 3 गुना ज्यादा होता है। कोई भी स्टार अपने प्राइम टाइम में बिल्कुल हमारे सूरज ही की तरह अपने कोर में हाइड्रोजन को बर्न करता है। बर्निंग के इस प्रोसेस को न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है। इस हाइड्रोजन बर्निंग फेज में जब मैसिव स्टार अपने हीलियम, कार्बन, नियॉन और सिलिकॉन को बर्न कर देते हैं, तो उस वक्त स्टार की कोर में सिर्फ और सिर्फ आयरन ही बाकी बचता है, जो ग्रेविटी को काउंटरएक्ट करने के लिए काफी नहीं होता, जिसकी वजह से इस पॉइंट पर ग्रेविटी की फोर्स बहुत ज्यादा हो जाती है। अब ग्रेविटी के ज्यादा होने की वजह से स्टार अपने ही कोर में कोलैप्स होकर स्टेलर मास ब्लैक होल बन जाता है। इन ब्लैक होल्स की डिस्कवरी बहुत ही कॉमन हो चुकी है। आइए अब बात करते हैं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स की। ये ब्लैक होल्स हमारे सूरज के मास से बिलियंस गुना ज्यादा मैसिव होते हैं। अब तक सिर्फ कुछ ही ब्लैक होल्स को डिस्कवर किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि ये ब्लैक होल्स बहुत बड़ी गैलेक्सी के सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपने हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद सेजिटेरियस ए स्टार की इस इमेज को देखा होगा, और M87 के सेंटर में मौजूद इस इमेज को भी देखा होगा। कुछ सालों तक साइंटिस्ट के पास इन ब्लैक होल्स की मौजूदगी का सिर्फ और सिर्फ इनडायरेक्ट सबूत था। इनमें सबसे ठोस सबूत क्वासार था, जो रिमोट एक्टिव गैलेक्सी में देखे गए थे। अगर आप क्वासार के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, क्वासार बहुत ही ब्राइट ऑब्जेक्ट होता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ रेडियो टेलीस्कोप से ही देखा जा सकता है। मोस्टली ये गैलेक्सी के सेंटर में मौजूद होते हैं। क्वासार की एनर्जी आउटपुट और विजिबिलिटी टाइम स्केल से ये ऑब्जर्व किया गया कि ये हमारे सूरज के मुकाबले में ट्रिलियन गुना ज्यादा एनर्जी रेडिएट करते हैं, और ऐसा सिर्फ एक ही मैकेनिज्म है जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है, और वो है ब्लैक होल से निकलने वाली ग्रेविटेशनल एनर्जी जब लाइट में कन्वर्ट होती है। रिसेंटली कुछ सबूत उन ऑब्जेक्ट से मिले हैं जो गैलेक्सी के सेंटर को ऑर्बिट करते हैं और जहां सुपरमैसिव ब्लैक होल हो सकते हैं। इन स्टार्स की ऑर्बिटल वेलोसिटी बहुत ज्यादा होती है, जो सिर्फ मैसिव ऑब्जेक्ट की स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड में ही हो सकती है। यहां पर एक सवाल आता है, आखिर ये सुपरमैसिव ब्लैक होल्स फॉर्म कैसे हुए? इसके बारे में साइंटिस्ट के पास बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। हम ये जानते हैं कि बिग बैंग के 1 बिलियन साल बाद कुछ ब्लैक होल्स हमारे सूरज के मास से बहुत ज्यादा बड़े हो चुके थे, लेकिन हमारे मौजूदा ब्लैक होल्स के मॉडल इसकी ग्रोथ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जैसे जैसे ब्लैक होल मैटर को निगलता है, वैसे ही उसका साइज मजीद बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से वो सुपरमैसिव ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन अब साइंटिस्ट ये इमेज
इमेजिन कर रहे हैं कि क्या सुपरमैसिव ब्लैक होल्स सुपरमैसिव स्टार के कोलैप्स होने से बन सकते हैं या फिर नहीं। रिसर्चर्स की एक टीम ने सुपर जायंट स्टार्स को स्टडी किया और ये जानने की कोशिश की कि इनकी वजह से सुपरमैसिव ब्लैक होल्स और भी तेजी से फॉर्म हो सकते हैं। सुपर कंप्यूटर के सिमुलेशन से उन्हें ये पता चला कि ये स्टार सिर्फ और सिर्फ 200 मिलियन साल में ही सूरज के मैस से 2.5 लाख गुना ज्यादा बड़े हो सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से इन सुपर कंप्यूटर्स की भी लिमिट होती है। अगर हमें सही और पक्के सबूत चाहिए तो कम से कम 800 मिलियन साल कवर करके इन्हें ऑब्जर्व करना होगा। कुछ थ्योरीज के मुताबिक ब्लैक होल्स की इतनी प्रेक्शन हाई रेट से बढ़ने की वजह से या फिर दो छोटे ब्लैक होल्स के मर्ज होने की वजह से सुपरमैसिव ब्लैक होल्स फॉर्म हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा फेमस थ्योरी सुपरमैसिव स्टार मॉडल्स की है। ये सुपरमैसिव स्टार्स सीड ब्लैक होल्स बना सकते हैं जो सूरज के मैस से बहुत ज्यादा बड़े हो सकते हैं। अब मैं ये नहीं जानती कि आपने ये नोटिस किया है या फिर नहीं कि स्टेलर मैस ब्लैक होल्स और सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के दरमियान बहुत ज्यादा मैस गैप है। जहां स्टेलर मैस ब्लैक होल्स सूरज के मैस से 300 से 100 गुना ज्यादा बड़े होते हैं, वहीं सुपरमैसिव ब्लैक होल सूरज के मैस से मिलियन और बिलियन गुना ज्यादा बड़े होते हैं। आइए अब बात करते हैं इंटरमीडिएट मैस ब्लैक होल्स की। ये बात आप जान लें कि ये ब्लैक होल्स बहुत ज्यादा रेयर होते हैं। अब तक सिर्फ एक ही ऐसे ब्लैक होल की डिस्कवरी को कंफर्म किया गया है। इंटरमीडिएट ब्लैक होल सुपरमैसिव ब्लैक होल से छोटा और स्टार के एक्सप्लोजन से बनने वाले स्टेलर मैस ब्लैक होल से कई गुना ज्यादा बड़ा होता है। इस ब्लैक होल को साइंटिस्ट कई सालों से ढूंढ रहे थे जो B023G078 ग्लोबुलर क्लस्टर में छुपा हुआ है। ये क्लस्टर एंड्रोमेडा गैलेक्सी में मौजूद है। इन क्लस्टर्स में गैलेक्सी के कुछ ओल्डेस्ट स्टार्स होते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि ये अब तक ढूंढे गए स्टार्स में से सबसे ज्यादा पुराने स्टार्स में से एक है। ये भी एक ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर है, लेकिन रिसर्चर्स का कहना है कि ये असल में स्ट्रिप्ड न्यूक्लियस है जो किसी बड़ी गैलेक्सी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उनके आउटर स्टार्स ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से छिन जाते हैं और बाकी छोटा सा डेंस न्यूक्लियस बच जाता है जो बड़ी गैलेक्सी को ऑर्बिट करता है। इस न्यूक्लियस के सेंटर में ये ब्लैक होल मौजूद होता है। इससे पहले हमने मैसिव स्ट्रिप न्यूक्लियस में भी बिग ब्लैक होल को डिस्कवर किया है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट को उम्मीद थी कि लोअर मैस के स्ट्रिप न्यूक्लियस में भी हमें स्मॉलर ब्लैक होल मिल सकते हैं, और ये इंटरमीडिएट ब्लैक होल इस बात का पक्का सबूत है। B023G078 एंड्रोमेडा गैलेक्सी के सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट्स में से एक है। कुछ साइंटिस्ट ये मान रहे थे कि ये स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई है, लेकिन इसे प्रूव करने में उन्हें बहुत ज्यादा वक्त लगा। अब इसमें फर्क ये है कि ग्लोबुलर स्टार क्लस्टर्स एक ही वक्त में फॉर्म हो जाते हैं, लेकिन स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई को फॉर्म होने में बहुत ज्यादा वक्त लगता है। और इसी तरह स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई में मौजूद स्टार्स ग्लोबुलर क्लस्टर से बहुत अलग होते हैं। यही चीजें हमने इसमें देखी हैं। अब रिसर्चर्स ने ऑब्जेक्ट के मैस डिस्ट्रीब्यूशन से ये प्रेडिक्ट किया है कि क्लस्टर्स में स्टार किस लोकेशन पर कितनी स्पीड से मूव करने चाहिए। फिर उन्होंने इसे अपने डेटा के साथ कंपेयर किया। हाईएस्ट वेलोसिटी के स्टार सेंटर को ऑर्बिट कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने इस मॉडल को ब्लैक होल के बगैर बनाया तो सेंटर में मौजूद स्टार्स की स्पीड डेटा से कम हो रही थी और ब्लैक होल को ऐड करने से उसकी स्पीड डेटा की स्पीड से मैच हो रही थी। अब ये ब्लैक होल इस बात का सबूत बन चुका था कि ये एक स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई है। किसी भी ग्लोबुलर क्लस्टर के अंदर ब्लैक होल का फॉर्म होना बहुत ज्यादा मुश्किल बात है, लेकिन अगर वो स्ट्रिप्ड न्यूक्लियाई हो तो वहाँ पहले से ही ब्लैक होल मौजूद हो सकता है। अब साइंटिस्ट को उम्मीद है कि वो और भी ऐसे स्ट्रिप्ड न्यूक्लियस को ऑब्जर्व करके इंटरमीडिएट मैस के ब्लैक होल्स को ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ इस तरह साइंटिस्ट ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी के इंटरमीडिएट ब्लैक होल को डिस्कवर कर लिया है। आपका इस ब्लैक होल के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।